हेलो दोस्तों, हम अभी साक्षरा गांव के अंदर खड़े हुए हैं। सामने साक्षरा गांव है। हम अब सिम विस्तार के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम खेराल की तरफ रास्ता जा रहा है और ये रास्ता बाण गंगेश्वर की ओर जा रहा है। बाण गंगेश्वर का ये बोर्ड है। और हमारे यहाँ सांप सिम विस्तार के अंदर सांप पकड़ने जाने का है, ये रास्ता जा रहा है। हम सांप का रेस्क्यू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक ट्रैक गुजरात में आपका स्वागत है। हम 15 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हम साक्षरा गांव के अंदर आए हुए हैं और एक सामने ढोल डाकर का सब आधे ले और सामने तबेले के अंदर सांप है। अभी तक हमने देखा नहीं, खतरे वाला खतरे बिना का और जहरीला जहर बिना का, मगर जो भी होगा इसको हम सही सलामत पकड़ेंगे, डब्बे में पोरेंगे और जंगल में छोड़ देंगे। हम सांप का रेस्क्यू करने जा रहे हैं। सांप हमारा दोस्त है। हम गमे शाम पकड़ते हैं लेकिन हमको कभी काटा ता नहीं है। ये भैंसों के बांधने का तबेला है और ये जो ट्रॉली खड़ी है, इस ट्रॉली के पीछे ट्रॉली खड़ी हुई थी। लगभग 12 बजे से सांप हैरान कर रहा था और सामने वाले बखोल के अंदर यहाँ घुस गया है। सांप यहाँ घुस गया है। यूट्यूब चैनल में मिलो, मोबाइल में जो था भाई ये सांप पकड़े आने वीडियो बना था। हमने इस सांप को, ये भारत का स्पेक्टिकल कोबरा सांप है और ये बहुत खतरनाक होता है, काटता है तो इंसान को हैरान परेशान कर देता है। सुबह से ये लोग जो सामने खड़े हैं हमारे सामने आने की तैयारी कर रहा है लेकिन हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। ये लगभग 4 से 5 फुट लंबा स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, भारत का स्पेक्टिकल कोबरा सांप। इसको हम ने सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है और इसको लेकर हम देखो हमारे सामने फैन मार रहा है और काटने की कोशिश कर रहा है। देखो कितनी फैन लगा रहा है, फटोफट लगा रहा है। हम लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर हम आए हैं साक्षरा गांव के अंदर। तुम तो नहीं, अरे भाई घर मालिक के थे। इस सांप से तो घर मालिक भाग के बाहर चले गए हैं लेकिन क्या करें, सांप सांप होता है। भाई अब वो हमने महा मेहनत के बाद उस तबेले के अंदर से रेस्क्यू किया है और इसको हम अंदर पूर रहे हैं।
हेलो दोस्तों, इस महाकाय कोबरा सांप हमने महा मेहनत के बाद इस डब्बे के अंदर हम कैद कर रहे हैं और बाहर बहुत साहस का काम है, कभी भी बाहर निकल सकता है तो काट भी सकता है। इसीलिए हम जहाँ सांप आया हुआ होता है हम बोलते हैं भाई सांपों से सावधान रहिए। अभी 15 दिन पहले केसरपुरा के अंदर एक लड़की को काटा हुआ था और इसकी हालत बहुत भयंकर हो गई थी, 1.5 लाख रुपया खर्चा भी हो गया था, अभी भी अच्छा नहीं हुआ है। इसलिए हम कहते हैं भाई ऐसे सांपों से आप सावधान रहिए। अभी इसका मुंह अंदर है, नीचे जाएगा तो हम ढक्कन बंद करेंगे। इस महाकाय कोबरा सांप का हमने रेस्क्यू कर लिया है सातखड़ा गांव से और इसको एक डब्बे के अंदर कैद कर लिया है, आजू बाजू छेद कर दिया है क्योंकि इसकी भी जान चलती रहे और हमने हमारी जान पर खेल कर ऐसे सांपों को पकड़ते हैं रेठार विस्तार से। और जंगल के विस्तार के अंदर जहाँ कोई अवर जवर नहीं होती, जहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं होगा, ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं क्योंकि इसको भी कोई मारे नहीं, इसीलिए हम ऐसी सलामत जगह पर इसको रिलीज कर देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब 12 बजे थी हाँ पे आराम करते तो बेसोना तबीला में आई पे ही जीतो तो हम यहाँ ख्याल थे यहाँ मोड़ोसन बुलाया पकड़ा साफ पकड़ा वाला तेरा पकड़े सही सलामत खाली जगह पर छोड़ी देसी दिया थी कहीं कोई नुकसान कारक रहा था। हेलो दोस्तों, हम जंगल के अंदर पहुँच चुके हैं और सब जंगल है और हम इस शाम को इस गड्ढे के अंदर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भयंकर कोबरा सांप है, हमने यहाँ इसको सातखड़ा गांव से रेस्क्यू किया हुआ था और हम इसको इस जंगल के अंदर रिलीज करने आए हुए हैं। देखिए हमारा वीडियो, देखिए ये वीडियो, बहुत खतरनाक है और सुनसवाड़े मर रहा है। हम इसको रिलीज कर रहे हैं जंगल के अंदर, देखिए हमने साखथड़ा गांव एक तबेले में चौधरी भाई के वहाँ से एक तबेले के अंदर चाड़ा रोड पर साखथड़ा से चाड़ा रोड के बीच हम सिम विस्तार के अंदर से इस महाकाय कोबरा सांप का रेस्क्यू किया था। उसको अभी अभी हमने इस जंगल के अंदर छोड़ दिया और इसकी जान बचाई है। और ऐसे आप किसी भी सांप हो पशु पक्षी हो सबकी जान बचाना आप इंसान का कर्तव्य है क्योंकि जान है जहान है, इसलिए सांप है तो इंसान है, इंसान है तो सांप है। ऐसे सांपों को बचाइए और पर्यावरण में छोड़ दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो हमारा अच्छा लगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।